नहीं, ये इसलिए सुनाया ना, ने आपने फूलों की प्रेज नहीं करी थी। भंगड़ा पाण नू जी, आज भंगड़ा पाण नू जी करना। शादी होगी ना, नानू शादी हो गई आज। तो वेलकम वाला बैक है दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। तो पीछे का ब्लॉग आपने, आई होप कि आपने दोनों ब्लॉग हमारे तीनों जो भी हमने डाले हैं आपने एंजॉय किए होंगे। तो ये आज हमारा जो मतलब लास्ट डे है यहाँ पे फुल एंजॉय करने का। हमारी दुल्हन अभी रेडी हो रही है, हम तैयार हो चुके हैं। तो फाइनली अभी हम तीनों रेडी हो चुके हैं, हमने आपको दिखाया। हमारी अभी फाइनल लुक अभी आई नहीं है, वो बाहर थोड़ी देर तक आएगी। तो हम तो रेडी हैं अभी, एज़ यूज़ुअल आपको पता ही है सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो लड़कियों को लगता है। तो वो अभी रेडी हो रही हैं, वो भी रेडी हो जाती हैं, तो उसके बाद ही हम जो है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे जाएंगे। ठीक है जी। भाई जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? नो ब्रो, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तैयारी है पूरी वैसे? तो बात बोलेंगे ऐसे। अच्छा बात छा जाए, तैयार हो दो। भाई जी आप, ये भाई जी रात से ऐसे ओके ओके। देखो भी कुड़ी सोहनी लग रही है, हाले रेडी नहीं हुई पूरी। आ इधर दूजी कुड़ी हड्डी, ये हले रेडी हो रही है, ये भी हले रेडी हो रही है। तो हो गई तेरी साजना। तो ये हम हो चुके हैं रेडी। ठीक है जी, ये लड़की काफी सुंदर लग रही है, तो अभी ठीक लग रही है ये, ठीक लग रही है ये। ठीक है जी। तो लीजिए फाइनली ब्राइड भी जो है वो रेडी हो चुकी है। तो अभी वैसे ही हमें जो है, हम लेट हो रहे हैं, तो अभी हम जाएंगे शादी में। दुल्हन सज भी गई है और ये पूरी तैयारी में और पूरी जल्दी में है जाने की। ठीक है, बाकी डिटेल में अभी बाद में बताएंगे। यार मेरा देख लहंगा जब ऊंचा तो नहीं लग रहा बहुत ज्यादा? ना पक्का ना नहीं लग रहा, अभी तू बैठे की सेट हो जाना था। मतलब आ रही तू? हां आ रही हूं। कौन कर रही है? आ रही हूं। हेलो, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूं गाइस अभी। तो लीजिए अभी फाइनली दुल्हन का एंट्री मारने का टाइम आ चुका है, क्योंकि दूल्हा साहब तो हमारे पहले ही पहुंच गए थे, तो वो पहुंच गए हैं। तो अभी दुल्हन का जो है वो एंट्री मारने का टाइम आ गया है। तो बाकी आप लोग ज़रूर बताइएगा कि दुल्हन कैसी लग रही है। तो लो जी, दूल्हा दुल्हन फाइनली अभी स्टेज पे पहुंच गए हैं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं। मेरे मित्र नहीं हैं, तो भाई मैं तो बोल रहा हूँ, मुझे तो बहुत सुंदर लग रहे हैं दोनों। दोनों की ड्रेस भी बहुत अच्छी है, दोनों अच्छे दिख रहे हैं आज। मतलब वैसे तो आज अच्छे दिखने चाहिए, बट बहुत अच्छे दिख रहे हैं ये। बाकी अभी ज़्यादा फोटोग्राफ्स का टाइम है नहीं, बिकॉज़ जो इनके लगन है वो 10:30 बजे के हैं, इसलिए अभी सीधा हमें फेरों में जाना पड़ेगा इन दोनों को। यार आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो ज़्यादा अभी ज़्यादा क्या मतलब एक्सपीरियंस ही नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि मेरी अभी शादी नहीं हुई है। लेकिन मैंने मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बंदा कितना नर्वस फील करता होगा जब शादी हो रही होती है बंदे की। ये जो पल हैं, मतलब इन्जॉय करने वाले भी होते हैं और नर्वस भी होता है बंदा। तो लीजिए दूल्हा दुल्हन फाइनली जो है वो मंडप में आ चुके हैं, पूजा शुरू हो चुकी है, तो अभी पूजा कर रहे हैं ये। बाकी मैंने जैसे पहले भी मैं इसी रिगार्डिंग बात कर रहा था कि ये जो पल है ना, ये एक एक पल की वैल्यू बंदे को सारी उम्र याद रहती है, और सारी उम्र के लिए जो ये पल बंदा भूलता नहीं है। कितने मतलब प्रीशियस बोल सकते हैं, कीमती पल होते हैं ये जो हम इस वक्त जो ये दोनों फील कर रहे हैं। हम लोग तो चलो ठीक है, हम लोग भी कर रहे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं, बट इनके लिए वो चीज़ बहुत वैल्यू रखती है। इनके लिए ये पल बहुत कीमती हैं, जो ये दोनों अभी बैठ के यहाँ पे मंडप में बैठ के जो ये पल जी रहे हैं, ये बहुत वैल्यूएबल पल हैं इनके लिए।
तो बाकी अभी रिचुअल्स के थ्रू मुझे ज़्यादा वैसे इस चीज़ ये वाली शादी का नॉलेज नहीं है, बट अभी जैसे शादी हो रही है ये सामने अभी मंगलसूत्र पहना रहे हैं। तो लीजिए अभी पंडित जी ने बोला कि फेरों के लिए अभी थोड़ा वक्त है, तो आप तब तक के लिए फ़ोटोशूट वगैरह या थोड़ी रेस्ट ले सकते हो। तो अभी फ़ोटोग्राफर घेर के बैठ गए हैं दूल्हा दुल्हन को, वो फ़ोटोशूट कर रहे हैं उधर। तो इधर बैंड बाजा बज रहा था तो हमने सोचा कि हम थोड़ा डांस कर लेते हैं, इन्जॉय कर लेते हैं। तो लीजिए अभी फिर से पूजा जो है वो शुरू हो चुकी है, तो अभी इनके फेरे होंगे। तो बाकी मुझे भाई ज़्यादा इनकी रस्मों का पता नहीं है, बट चलो फर्स्ट टाइम मैं सेकंड टाइम वैसे देख रहा हूँ लाइफ में, तो कुछ कुछ चीज़ें पता भी हैं, कुछ कुछ चीज़ें नहीं पता है। तो जिस जिसको ये रस्म पता है कि ये रस्म कौन सी हो रही है, क्या हो रहा है, तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये कौन सी रस्म चल रही है। तो लीजिए अभी फेरे शुरू हो चुके हैं, तो इनके जहाँ 7 फेरे होते हैं, तो हमारे गुरुद्वारे में जैसे लामा होती हैं तो हमारे 4 लामा होती हैं। बाकी यार फेरों के साथ साथ जो हैं लड़की के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, उसके फ़र्ज भी हो हैं, जो अभी वो चेंज हो जाएंगे या एड ऑन हो जाएंगे ऐसा बोल सकते हैं हम। जैसे कि अब इनके जब फेरे कम्प्लीट हो जाएंगे तो पंडित जी स्पेशली लड़की को बोलते हैं कि जो अभी इसका जो गोत्र है वो चेंज हो जाएगा, वो जो है वो हट के जो है लड़के वालों की तरफ लग जाएगा। तो उससे लड़की की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो वो होती हैं वो सारी कन्वर्ट हो जाती हैं, तो लड़की को जो है वो लड़के वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है। आपने अभी हमारे मैरिज के शॉट्स देख लिए होंगे, तो अभी हम सबको जो है वो भूख लग चुकी है, अभी हम खाना खाने लगे हैं, ठीक है जी। बाकी मेरा फेस बहुत कम दिखा है पूरे ब्लॉग में, वो उसका रीज़न ये है कि मेरे साथ शूट करने वाले बहुत कम बंदे थे, तो मैं ही शूट कर रहा था, तो खुद का फेस दिखाना मेरे लिए मुश्किल हो गया। हमें लग चुकी है भूख। क्या खाना पसंद करेंगे? बहुत सारी वैरायटीज है हमारे पास, वेज में भी, नॉन वेज में भी, मटन भी और चिकन भी है, राड़ा चिकन। राड़ा चिकन टेस्ट कर रही हूँ विद रायता। प्योर वेजिटेरियन। हाँ, एक बंदा हमारा हमारे लिए वहाँ हेल्प कर रहा है ना, रोटियां तोड़, वो देखो खुद ही काटने लगा हुआ रोटियां, इतनी मतलब मेहनत कर रहा है हमारे लिए वो। और एक हमारी मित्रनी वहाँ बैठी है, वो सोच रही है कि ये खाना खाने लग गए हैं और हमें नहीं, मुझे नहीं पूछा आज इन्होंने। अब हमारे फाइनली कशिश भाई भी खाए हैं, हमारे लिए इतनी रोटियाँ ले आए हैं।
ये बोल रहे हैं कि मेरी टीम को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, शादी होगी ना, शादी होगी आज। हमारे तो नहीं चुने जीजू, आ जाओ नहीं पंजाबी में पहले भंगड़ा पाउण नू जी, अज भंगड़ा पाउण नू जी। ओए लिरिक्स कट लो यार, जलता चिरा लगती थी होगी वो तेरा चूला जले, हो चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, डूबा डूबा रहता हूँ आंखों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी, दिन गुजरते नहीं कटती नहीं बात, तस्वीर से देखो बनती नहीं, तू ना जा बेवफा, सुन बेवफा नहीं, ये इसलिए सुनाया इन्होंने, आपने फूलों की प्रेज नहीं करी थी। गिर गया, गिरा गिरा, ये देखो ये गिरा, गिर गया। तो लीजिए अभी रात बीत चुकी है, सुबह का वक्त आ गया, तो सुबह 6 बजे जो है इसकी विदाई थी, तो अभी 6 बज चुके हैं, तो अभी इसकी विदाई का जो है वो वक्त आ गया है। रो यार थोड़ा सा, बाकी यार एक लड़की के लिए ये सबसे टफ मोमेंट होता है कि अपने घर को छोड़ के जाना, आगे भी वो एक घर में ही जाती है, लेकिन मतलब एक अपने घर को छोड़ के दूसरे घर में जाना, फिर वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालना, उनके घर को संभालना, फैमिली को मैनेज करना, तो ये एक लड़की के लिए बहुत टफेस्ट पार्ट है। मुझे लगता है कि एक ये सबसे बड़ी हिम्मत है लड़की की जो इतना जिगरा रखती है। मामा जी पता लगे बाज नानी ना चकनी पे। तो ये इमोशनल मोमेंट देख के तो वैसे तो मेरी आवाज भी नहीं निकल रही, बट फिर भी मैं 2 लाइनें सुनाता हूँ। मधानिया हायो मेरे डाडिया रबा किना, जमिया किना ने ले जानिया, किना जमिया किना ने ले जानिया। दादी भी आ गए से भाई, अबे आ गए थोड़ा, ये देखो, ये देखो लो आगे खड़े हो, यहाँ को आगे लीजिए। अभी विदाई की रस्म जो है वो पूरी हुई, तो अभी हम, मैं और करम दोनों हम जो हैं शिवानी के साथ, मतलब मैं अपनी मित्रनी के साथ उनके घर जा रहा हूँ। तो लीजिए फाइनली अभी हम इनके घर पहुँच चुके हैं, तो ये है मेरे मित्रनी का घर, तो अभी इनको इनकी दादी जी गिफ्ट दे रहे हैं, तो अभी दादी जी ने गिफ्ट ले आए हैं इनके लिए, जैसे अभी ये घर पहुंचे हैं, तो दादी जी अभी अपनी रानी बहू को गिफ्ट दे रही है, हार पहना रहे हैं।
तो ये सब चीज़ें ना रस्म रिवाजों में नहीं आती। ये दादी माँ का प्यार है अपने बेटे के लिए और नूँह के लिए, मतलब बहू के लिए जो है, ये प्यार है उनका। तो ये प्यार से उनके लिए हार लेके आए हैं। इन चीज़ों की ना कोई कीमत नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती। ये चीज़ें जो हमें लाइफ टाइम याद रहती हैं कि उन्होंने इतने प्यार से हमारे लिए जो है ये चीज़ हमें गिफ्ट करी है। तो मतलब कितना ये शिवानी के लिए मुझे लग रहा है एक बेस्ट मोमेंट होगा कि उनकी दादी ने आते ही उनको एक अच्छा गिफ्ट दिया, यादगार गिफ्ट दिया है जो उसको पूरी लाइफ याद रहेगा। तो लीजिए अब दूसरी रस्म होगी, उस रस्म का मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन अंगूठी ढूंढनी होती है 3 बार। तो जो अंगूठी ढूंढने में ज़्यादा बार सफल होता है तो ऐसा माना जाता है कि शादी के बाद उसका ही हुक्म चलता है। तू कर दे अपना, दोनों डालो ना फिर जिसको मिलेगी। करूं कोशिश? नहीं अभी नहीं, वो पहले डाल। नहीं नहीं अभी नहीं, वन टू थ्री, वो नहीं मैं करूं कोशिश, बोला नहीं। वन टू थ्री ले। तो लीजिए 2 बार शिवानी जीत की है, 1 बार मेरे मित्र जी जीते हैं। तो इसी के साथ यहाँ से हमारा अलविदा लेने का जो है वक्त आता है। तो अभी हम जा रहे हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। हाँ एक मिनट मैं अभी घुमाता हूँ। बाय बाय कर दो आप लोग भी। बाय बाय। बाय बाय।